अकरम, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम आपका इलाज करेंगे। इन्हें पहचाना? इन्हें देखिए, ये हीना है। अकरम, अकरम रुक जाइए प्लीज, आगे मत जाइए, यहां पर हमला भी कर सकते हैं प्लीज। अकरम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कहां गई थी तुम? बैठो ना। तुम कितनी अच्छी हो। ये लोग सब यहां क्या कर रहे हैं? ये डॉक्टर, हॉस्पिटल, मुझे यहां क्यों लेकर आए? क्या हुआ मुझे? ठीक हूं मैं ठीक हूं ना। चलो घर चलते हैं, अपने घर चलते हैं। तुमने खाना बनाया क्या? घर जाके खाना खाते हैं। तुमने ये कपड़े क्यों पहने ही ना? जो मैं तुम्हारे लिए ले आया था वो क्यों नहीं पहना? हाँ, तुम्हें वो पसंद नहीं आया होगा ना। कोई बात नहीं, मैं नए ला दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? अजीब बात है, इन्हें कुछ भी याद नहीं कि इनके साथ क्या बीता। सिर्फ इतना याद है कि ये अपनी बीवी को कभी बहुत प्यार करते थे और यह चाहत इस जुनून की हद तक थी कि सबको भूल गए पर अपनी बीवी को नहीं भूले। हीना, हीना तुम कितनी अच्छी हो हीना। हीना! अकरम, अकरम! अगर आप इनसे दूर जाना चाहती हैं तो ये किसी जिद्दी बच्चे की तरह वॉयलेंट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं क्या करूं? इन्हें बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा, तब तक जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाते। डॉक्टर साहब आइए। अकरम, इन्हें पहचानिए। अकरम, अकरम, ये अम्मी है। ये इन्हें भी नहीं पहचानती। डॉक्टर साहब, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का ढोंग रच रहा है। अकरम, हीना से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि इनके दिल और दिमाग को किसी किस्म का सदमा और नहीं पहुंचना चाहिए, वरना मुझे डर है कि ये कहीं खुदकुशी ना कर बैठे। मुझे अकरम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। इसमें आपकी कोई खता नहीं है। ये ठीक कहते हैं बुशरा, अकरम को उसके किए की सजा मिल गई है। कैसी सजा? उसने अपना दिमागी तवज्जो खो दिया है। या अल्लाह, नहीं। अकरम ने जो बदतर सुलूक किया है हीना के साथ, उसके लिए ये सजा भी कम है। अब तो वह हमारी हमदर्दी के लायक है। यही तो हीना भी कहती है। कैसे वो भूल गई कि अकरम ने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। हीना का दिल ही कुछ ऐसा है। सोचती हूँ जबरदस्ती हीना को अपने साथ ले जाऊं, लेकिन अगर ऐसा करूं तो अकरम अपने आप को कुछ कर ना बैठे। डॉक्टर ने कहा है कि वह खुदकुशी भी कर सकता है, और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। परवाह है
तो सिर्फ हीना की। मैं उसे लेकर आती हूँ। ऐसा मत करो शगुफ्ता, खुदा के लिए अकरम पे रहम करो। अकरम ने कभी हीना पर रहम किया? क्या हुआ हीना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? नाराज हो तुम मुझसे ना? मैं देर से घर लौटता हूँ इसलिए ना। अब से मैं कभी देर से नहीं आऊंगा। अब हंसो, प्लीज मुस्कुराओ ना। इसकी बकवास तुम कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं अम्मी, इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नहीं जा सकती। लेकिन अब तुम्हारा इसके साथ रिश्ता ही क्या है? मैं मानती हूँ अम्मी, लेकिन इनकी नफरत का जवाब मैं इन्हें इस हाल में तो नहीं दे सकती। ये तो इंसानियत के खिलाफ होगा। इसने कभी इंसानियत का बर्ताव किया है तुम्हारे साथ? और तुम हो अम्मी। अम्मी आप समझने की कोशिश कीजिए, आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? मेरे जाने की बात अगर ये खुद को नहीं अम्मी, या अल्लाह ये किस मुश्किल में फंस गई मैं। अगर अम्मी का कहना मानूं तो मुझे अकरम को उनके हाल पर छोड़कर तलाक ले लेना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? आखिर वो मेरे होने वाले बच्चे के बाप हैं। अब इन हालात में मैं क्या करूं? हाँ कबीर कहिए। हीना क्या हुआ? तुम्हारी आवाज से तो लगता कि तुम तकलीफ में हो। अब क्या बताऊं, आपको तो पता ही है क्या हो रहा है। हाँ मुझे पता चला, इसे तो मैंने तुम्हें फोन किया है। देखो हीना, हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका है, इसका हमें फायदा उठाना ही होगा। इस बार हम नहीं चूक सकते। मैं तुम्हारे यहाँ पर आ रहा हूँ कुछ कागजात लेकर। बाय। कोई सैर सपाटे की जगह नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा जब जी चाह चलाए। मामा मैं इसे यहाँ लाई हूँ ताकि इसकी गलत फहमी दूर हो। गलत फहमी तो तुम्हें हो रही है जो इसे अपनी माँ समझ रही हो। माइंड योर लैंग्वेज समीर। मामा ये कब से यही बोला जा रहा है कि आप मेरी मामा नहीं है। मेरी मामा कोई और है और वो किसी जेल में पड़ी हुई है। ये मुझे उस जेल में भी लेके गया था लेकिन अफकोर्स वो वहाँ से रिहा हो चुकी थी। एंड अफकोर्स वो जरूर यही आई होगी। तुम चाहते क्या? तुम यही चाहते हो ना कि हम माँ बेटी एक दूसरे से लड़ ले, अलग अलग हो जाए? समीर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी मामा मेरे बगैर नहीं जी सकती और मैं अपनी मामा के बगैर नहीं जी सकती। मैं तुम्हारी किसी भी बात में आने वाली नहीं। सद के जाओ, तुम्हारे ऐसी बेटी हर माँ को मिले और ऐसी माँ किसी बेटी को ना मिले। और वो दूसरी बात है, तुम किसी की माँ हो ही नहीं, इसकी भी नहीं। अरे तोते की तरह रटते रहोगे या कुछ साबित भी करोगे? साबित तो ये तभी करेगा ना जब बात में सच्चाई हो। मामा इसे कह दीजिए कि वो औरत यहाँ नहीं है और यहाँ से दफा हो जाए। एक मिनट रूबी, समीर ने जो कुछ भी कहा सच कहा। हेलो, मैं अस्पताल से नर्स बोल रही हूँ। फोन कम कीजिए और जो कहा है वो कीजिए। चीजों पर नजर रखिए आप। वही तो कर रही हूँ। एक बुरी खबर है। क्या? अकरम का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये क्या कह रही हैं आप? रूबी कहाँ है? रूबी? वो तो यहाँ अस्पताल में नहीं है। अब उस बेवकूफ लड़की से हमने कहा था कि वो वही रहे। नादिरा जी, कबीर नाम का कोई आदमी है, हीना के पास उसका फोन आया था। क्या कह रहा था वो? वो तो पता नहीं। हाँ मगर हीना की बातों से लग रहा था वो ये अस्पताल में आने वाला है। मरवा दिया रूबी ने भी। अच्छा ठीक है, आपसे जो कहा बस आप वही करती रहिए। ओके जी। Thank you.
यही है तुम्हारी माँ, देखो। मैं जानती हूँ कि ये कौन है, और इन्हें यहाँ देखकर मेरे दिल में अपनी मामा के लिए इज्जत और भी बढ़ गई है, क्योंकि ये मेरी मामा नहीं, ये मेरी मामा की पुरानी दोस्त हैं। रूबी, रूबी, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम मेरे लगते ही कौन हो। समीर, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। रूबी, तुम समझने की? सुना नहीं तुमने, बहुत रात हो चुकी है और ये शरीफों का घर है। रूबी, इन्हें इज्जत के साथ बाहर छोड़ाओ। चलो। वो लोग चले गए। रूबी, समीर प्लीज चले जाओ, और आइंदा यहां कभी मत आना। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। वो जो अभी आया था वही समीर है। बहुत लंबे पांव हैं इसके, जो जेल तक पहुंच गए और अब यहां तक। कुछ नहीं मिलेगा उसे, और मिलना भी नहीं चाहिए। बहुत नादान है वो। बेवकूफ तो तुम्हारी बेटी भी है, मेरी चालों को नहीं समझ पा रही है। मैं उसकी नादानी नहीं, मैं उसकी बर्बादी देखने आई हूं। उसकी बर्बादी? हाँ हाँ, हो जाएगी, और बर्बाद उसका बाप भी होगा। आग लगा दी। उसके बारे में बात करके तुमने मेरे तन मन में आग लगा दी। क्या अकरम पागल हो गया? मामा! रूबी, मैंने सुन ली तुम्हारी बातें, अकरम पागल हो गया। है ना खुशी की बात? हाँ, अब तो जश्न होना चाहिए। जश्न नहीं, मातम। मातम मनाइए सुल्ताना बेगम। मातम हम क्यों मनाएं? वो तो हीना मनाएगी ना। जी नहीं, वो खुशियां मनाएगी, क्योंकि अकरम के पागल हो जाने से केस अब हीना के फेवर में हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो? शौहर जब पागल हो जाए तो बीवी को कानूनी हक मिल जाता है कि वो उससे तलाक ले ले, इसलिए हीना का केस अब मजबूत हो गया है। तलाक लेने के लिए उसका रास्ता खुल गया है, इसलिए हीना अब जश्न मनाएगी, और आप दोनों मातम। हीना, मैं जानता हूं जिंदगी ने तुम्हें एक अजीब सी मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। तुम परेशान हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी समझौते पर नहीं चलती। मौकों के साथ इंसान को अपनी जिंदगी जीने का ढंग भी बदलना पड़ता है, और तुम्हें भी यही करना होगा। इसलिए मैं ये पेपर्स लेकर आया हूं। इन पेपर्स में मैंने यही लिखा है कि अकरम के पागलपन के आधार पर हमें तलाक चाहिए, और हमें तलाक आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें तलाक आसानी से मिल जाएगा? एक पागल शोहर के साथ जिंदगी गुजारना, मैं अदालत भी ये बात समझती है। बस दो दिनों में तुम्हें तलाक मिल जाएगा। तुम इन कागजात पर साइन कर लो। वकील साहब ठीक कहते हैं, अब और मत सोचो। हीना, न जाने तुम किस मिट्टी की बनी हो, इस आदमी ने तुम्हारी हस्ती खेलती जिंदगी को गारत किया, तुम्हें सरेआम बदनाम किया, और फिर भी तुम उसी के बारे में सोच रही हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वही करो जो आज से पहले करना चाहती थी। तुम्हारे इरादे बदलने से उन लोगों के इरादे नहीं बदलेंगे। मैं जानता हूं तुम उसके भले के बारे में सोच रही हो, लेकिन वो लोग
वो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वकीलों से मिल रहे हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकती? हीना, मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम इन पेपर्स पे साइन कर लो, इससे अच्छा मौका हमें मिलेगा नहीं। लेकिन इस तरह किसी की मजबूरी का फायदा उठाना? मजबूरी नहीं, ऊपर वाले का फैसला है। आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं, उसकी अदालत में सुनवाई हो चुकी है। अगर वो नहीं सुनता तो आक्रम यूं पागल नहीं हो गया होता। हीना, इसीलिए कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आपकी जिंदगी की काली रात खत्म होने वाली है और एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। पेपर्स पे साइन कीजिए। अदालत हीना और अकरम के तलाक को रोक नहीं सकता। थैंक यू। बड़ी मनहूस खबर सुना दी तुमने हमें। अब तुम ही कुछ करो। बड़ी उम्मीदों के साथ हम तुम्हारे पास आए थे। नादिरा मीर कभी कोई केस नहीं हारती। बड़े बड़े वकील नादिरा मीर को सामने देकर अपनी वकालत भूल जाते हैं, तो आज क्या हुआ नादिरा मीर को? अकरम को भी तो अभी ही पागल होना था। मैं कुछ नहीं जानती नादिरा मीर, हर हालत में हीना का तलाक नहीं होना चाहिए। एक मामूली वकील भी इन हालात में अदालत के सामने ये दलील पेश कर सकता है कि पागलपन के दौरे में अकरम हीना को मारने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में हीना अकरम के साथ कैसे रहेगी? इस दलील के बिना पर ये मुकदमा तलाक तक पहुंच सकता है। रबी, जब एक मामूली वकील ये दलील पेश कर सकता है, फिर वो तो कबीर है, अमान मलिक का असिस्टेंट, वो कमजोर नहीं है। रूबी, रुपयों की ताकत के सामने हर कोई कमजोर हो जाता है। सुल्ताना बेगम, रुपया हमारी कमजोरी हो सकती है, कबीर की नहीं। नादिर अमीर, आपके पास कबीर के दलीलों का तोड़ जरूर है। बताइए आपको कितने पैसे चाहिए केस जीतने के लिए? ये केस हमारे लिए अब प्रेस्टीज इश्यू बन चुका है रूबी, इसे तो हम जीत के ही दम लेंगे। लेकिन हाँ, मुंह मांगा रुपया देने की आपकी बात हमें बड़ी पसंद आई है। आपको आपका मुंह मांगा रुपया जरूर मिलेगा नादिरा मीर। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि हीना ये केस कैसे हारेगी। लड़ाई में जब ताकत और दिमाग से काम ना बने तो दुश्मन की कमजोरी को उसका हथियार बनाना चाहिए। हीना की कमजोरी क्या है? उसकी शराफत और उसकी ईमानदारी, पर उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। उसकी शराफत और उसकी अच्छाई ही उसका हार बनेगी। लेकिन कैसे? देखते जाइए नादिरा मीर का तीर किस तरह हीना के दिल के आर पार हो जाता है। सारी जिंदगी उसे उस पागल के साथ बिताने पर मजबूर ना कर दिया तो हमारा नाम भी नादिरा मीर नहीं है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।